गन्ने के जूस से बनी है और मैं इसे खा के बता रही हूँ। जो हमारे बाकी गुड़ ले जाएगा मजा आ रहा। धीरे 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 तो इतना सारा देसी गुड़ खा के देखते कैसा है। बहुत टेस्टी है। और वो एक भैया यहाँ से धीरे धीरे डाल रहे हैं और ये पूरा धुआं जो निकल रहा है वो इसी का निकल रहा है। और तो चलिए जानते हैं कि गुड़ बनता कैसे है। तो कैसे बनाया जाता है? गन्ने से तो बनता है ये सबको पता है, लेकिन क्या किया जाता है? पूरा खोला देते हमारे ऊपर। अच्छा, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहते और गाढ़ा करते रहते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और आज मैं आपको एक बहुत अलग जगह लेके आई हूँ, कुछ अलग सा वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मैं आई हूँ यहाँ पे बन रहा है गन्ने से गुड़। गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है आज मैं उनको दिखाती हूँ। तो आइए, तो चलिए जानते हैं कि गुड़ बनता कैसे है। तो कैसे बनाया जाता है? गन्ने से तो बनता है ये सबको पता है, लेकिन क्या किया जाता है, मतलब प्रोसेस क्या किया गया है? ये गन्ने का जूस निकालते हैं जी, यहाँ से गन्ना का जूस निकला। अच्छा, ये गन्ने के पेड़ हैं सामने खूब सारे, देख लीजिए। एंड जिनके पास, जिनको बेचना होता है गन्ने, वो भी लाते हैं और फिर उसके बाद काट के ट्रकों में भर के यहाँ आते हैं। यहाँ पे जूस निकलता है, जो सफाई होके जूस निकलता है। फिर क्या करते हैं? आइए, यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से वहाँ टैंक में गया, यहाँ पे इसकी गन्ने के जूस को छान के साफ करते हैं। यहाँ झरना भी रखा है ना, ये झरना रखा है, साफ करते हैं, पूरा क्लीन किया जाता है जी। ये तो ऐसे झाग झाग कैसे दिख रहा है? ये भी छाना जाएगा ना। अच्छा, ये भी छाना जाएगा, साफ हो गया। अच्छा अच्छा, फिर क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ गर्म करते हैं। फिर यहाँ से गर्म हो गया, पाइप के द्वारा सप्लाई होकर यहाँ आया, इसे यहाँ पाइप पर है ना। अच्छा, पाइप के थ्रू आता है जी, यहाँ पाइप सप्लाई होके यहाँ आता है। अच्छा, तो वहाँ साफ होता है, फिर यहाँ नीचे पाइप पड़ा है, पाइप से ऐसे यहाँ आता है। हाँ। यहाँ आता है, फिर क्या होता है? इसमें हल्का गर्म हुआ, इसमें हल्का गर्म होता है, तो यहाँ पे आता है गन्ने का जूस, फिर यहाँ हल्का गर्म होता है। यहाँ पे देखे बहुत तेज गर्म है, खोल रहा है, पूरा खोला देते निकल जाता है हमारे ऊपर। अच्छा, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहते और गाढ़ा करते रहते और फिर फाइनल वो है। तो पहले इसमें थोड़ा गरम करते हैं जी, फिर थोड़ा ज्यादा गरम करते हैं, फिर उसमें डालते हैं। अभी ये बहुत गरम है, बहुत गरम गरम जूस है, किसी के ऊपर पड़ गया तो आइए। अच्छा, ये यहाँ से निकल के जम जाएगा जी, फिर गोल गोल बनाया जाएगा। तो ये देखिए ऐसे ही है, यहाँ पे रखते हैं, खूब गाढ़ा कर देते हैं गन्ने के जूस को, फिर उसे यहाँ लेके आते हैं, फिर उधर हाथों से गोल गोल लड्डू टाइप का, या जैसे आपको बनाना है बना सकते हो। और ये थोड़े अलग रंग के दिख रहे हैं, ये कौन से? यहीं से बनकर यहाँ चल जाएगा, तो ये बाद में ऐसा रंग हो जाएगा? ऐसा रंग नहीं, वो काल का गन्ना पुराना था, वो गन्ना पुराना था। अच्छा, गन्ना भी अलग अलग टाइप का रहता है जी, अगर गन्ना पुराना है उसका माल सफेद नहीं बनेगा। ये धुआं किस? अच्छा, ये जो पका है उसी का धुआं है? तो ये पक रहा है, तो जो गन्ने का छीलते हैं जूस निकालते, कूड़ा निकलता है वो वेस्ट नहीं किया जाता है, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। ये पूरा यहाँ पे जलाया जाता है और उसी से जो गन्ने का जूस है उसको पका पका के गाढ़ा किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो गन्ने का कूड़ा निकला है उसको यहाँ पे जलाया जा रहा है, पक रहा है, जिसके थ्रू अभी मैंने आपको वहाँ दिखाया जूस को पकाया जा रहा था। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, पूरी भट्टी टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा आग जलती है अंदर, आग है ना, वहाँ बहुत आग है। बहुत अंदर बहुत ज़्यादा आग होगी ना। और वो एक भैया यहाँ से धीरे धीरे डाल रहे हैं और ये पूरा धुआं जो निकल रहा है वो इसी का निकल रहा है और वहाँ पे पक रहा है, मैंने जो अभी आपको दिखाया। तो इतना सारा देसी गुड़ खा के देखते कैसा है। बहुत टेस्टी है, गर्मा गर्म चॉकलेट। चॉकलेट तो ये स्पेशल देसी चॉकलेट है जो कि गन्ने के जूस से बनी है और मैं इसे खा के बता रही हूँ। जो हमारे बाकी गुड़ ले जाएगा मजा आ रहा। धीरे 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 यम्मी। ये बताइए कि गुड़ देख लिया, सबसे अच्छा वाला गुड़ कौन सा होता है? यही है। कौन सा? उठा के दिखाइए, मतलब ये जो
हल्की कलर ये अच्छा होता है सबसे सबसे नंबर एक का देसी। और जो थोड़ा काला सा आता है वो नहीं सही होता, वो अच्छा नहीं होता ना। वो पुराना गन्ना का उसका कलर कम आता है ना। अच्छा, तो वो काला हो जाता है। अच्छा, पुराने गन्ने का गुड़ ऐसे काला हो जाता है। तो ये जो आज का वीडियो है ये थोड़ा अलग सा था, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ताकि सबको पता चले कि देसी गुड़ जो हमारा होता है वो किस तरीके से बनता है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।